महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में आज रात से सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया है, जिसके बाद आज नांदेड़ शहर में लॉकडाउन की पाबंदियों का आगाज हो गया है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कल शाम से ही शहर के मुख्तलिफ अहम चौराहों को बैरिकेड्स लगाकर बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और आज दिन भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के बैरिकेड्स लगाने की कार्रवाई की जा रही थी। हुकूमत ने कल शाम एक ऐलामिया जारी करते हुए रियासत महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे के बाद से 21 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की पाबंदियों को सख्त करने का फैसला किया है। पाबंदियाँ गुज़िश्ता की बनस्बत काफ़ी सख्त होंगी, क्योंकि इसमें ज़िला बंदी की भी हिदायत दी गई है और इसके अलावा शहर की सड़कों पर बिला वजह घूमने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नांदेड़ शहर के कुछ इलाकों में लॉकडाउन बिल्कुल गैर असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इलाकों में दुकानें बिल्कुल खुली नज़र आ रही है। इसलिए आज इतवार पुलिस और दिगर पुलिस मुलाजिमीन ने कदीम शहर के बरकी चौक, मनियार गली व दिगर इलाकों में खुली रहने वाली दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनसे जुर्माना भी वसूल किया है। आज रात कदीम शहर में भी मुख्तलिफ मकामात पर लकड़ियों के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिसके बाद सुबह से पाबंदियों पर सख्ती से अमल आवरी की जाएगी।